तो पहली मेरी पोइट्री है जो हमारे जिस क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं, ये चंबल संभाग, चंबल कहते हैं, चंबल का पानी बहुत गर्म होता है यहाँ के लोगों का। तो इसके लिए मैंने दो लाइनें लिखी थी, तो उनकी दो लाइनें मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि गर्म यहाँ का मौसम है, गर्म यहाँ का मौसम है, जलोढ़ यहाँ की माटी है, जंगल है भेड़ों का, ये चंबल की घाटी है। गर्म यहाँ का मौसम है, जलोढ़ यहाँ की माटी है, जंगल है भेड़ों का, ये चंबल की घाटी है। चंबल से शुरुआत हुई है तो आगे बढ़ते हैं हम। एक पोइट्री है जो आजकल लोग शहरों से, गांव से शहरों के लिए पलायन कर रहे हैं, मोस्टली गांव खाली होते जा रहे हैं, लेकिन अब आधुनिकता के दौर में वो गांव खाली हो गए हैं, वहाँ पर कोई किसान खेती करने वाला बचा नहीं है, सभी लोग अपने शहर में सेटल हो गए हैं, मोस्टली युवा भी नहीं करना चाहते हैं। तो उन्हीं के लिए थी, देखो शहरों के लिए गांव आ रहा है, देखो शहरों के लिए गांव आ रहा है, वो पक्की सड़कों के लिए, वो पक्की सड़कों के लिए मिट्टी के पाँव आ रहा है, देखो शहरों के लिए गांव आ रहा है, वो पक्की सड़कों के लिए मिट्टी के पाँव आ रहा है, वो मेरे गांव का घर आंगन चूल्हे, वो मेरे गांव का घर आंगन चूल्हे मुझे याद कर रहे हैं, और एक हम हैं जो शहरों में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जिसका मैंने लिखा था शीर्षक है मैं किसान हूँ, सोचा था बहुत मगर इस बार भी मुझे कुछ मिला नहीं, सोचा था बहुत मगर इस बार भी मुझे कुछ मिला नहीं, खाली हाथ हैं मेरे इस बात का मुझको गिला नहीं, सोचा था बहुत मगर इस बार भी मुझे कुछ मिला नहीं, खाली हाथ हैं मेरे, खाली हाथ हैं मेरे इस बात का मुझको गिला नहीं, कर्जदार हूँ मैं इस धरती का, बस कर्ज चुकाने आया हूँ, किसान हूँ मैं इस माटी का, ये फ़र्ज निभाने आया हूँ, कर्जदार हूँ मैं इस धरती का, बस कर्ज चुकाने आया हूँ, किसान हूँ मैं इस माटी का, ये फ़र्ज निभाने आया हूँ, जो रोटी छोड़े थाली में उसके लिए बेकार हूँ मैं, जो रोटी छोड़े थाली में उसके लिए बेकार हूँ मैं, जिसे रोटी ना मिले कंगाली में उसके लिए निराकार, निराकार हूँ मैं, भगवान हूँ मैं, निराकार हूँ मैं, गेहूं के आटे में सरसों के तेल की धार हूँ मैं, मुझे समझ सको तो समझो इस देश का आधार हूँ मैं, मेरी मिट्टी मुझसे पूछे, मेरी मिट्टी मुझसे पूछे कि मालिक है या नौकर तू, मेरी मिट्टी मुझसे पूछे कि मालिक है या नौकर तू, समझ नहीं आता मुझको कि तुझे जीवन में मिलती है इतनी ठोकर क्यों, मेरी मिट्टी मुझसे पूछे कि मालिक है या नौकर तू, समझ नहीं आता जीवन में कि मिलती है इतनी ठोकर क्यों, इस माटी से मेरा जीवन है, इस माटी में मिल जाऊँगा, किसान हूँ मैं इस धरती का, सदा किसान ही मैं कहलाऊँगा। एक जाते जाते एक लास्ट अंतिम, जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए दो लाइनें हैं बस, पहले बिस्तर फिर कमरा फिर घर फिर अपना शहर छोड़ता हूँ मैं, पहले बिस्तर फिर कमरा फिर घर फिर अपना शहर छोड़ता हूँ मैं, इस नौकरी की खातिर एक दिन अपना घर छोड़ता हूँ।